जो मसाला है वो कट पिट के रेडी हो चुका है। तो अभी बना रही हूँ मैं पहले चटनी, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये है हमारा देसी घी। तो आज बना रहे हैं हम चिकन बिरयानी, आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा। तो पहले चिकन को अच्छे से धो लेना है। तो चिकन धोने के बाद सबसे पहले कसाने के लिए रख दिया, और अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, बस ऐसे ही लो फ्लेम पर इसको कसाने के लिए रख दिया है अभी। तो जितनी देर में हमारा मीट कस रहा है इतने हम कर लेते हैं अपना मसाला तैयार, बिरयानी के लिए भी और चटनी के लिए भी। तो हमारा जो मसाला है वो कट पिट के रेडी हो चुका है, और ये है हमारी चटनी के लिए। चटनी में हम यूज़ कर रहे हैं धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर। अभी मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किया, टमाटर ये सब मसाला पीसने के बाद मैं बाद में डालूँगी टमाटर। और चटनी बनाने से पहले उसको अच्छे से धो लेना है ताकि उसमें बिल्कुल भी किरकिरापन ना रहे। उसको 3-4 बार पानी से धो लेना, क्योंकि फिर चटनी वरना किरकिरी लगेगी। तो अभी बना रही हूँ मैं पहले चटनी हरी धनिया और पुदीने की। तो हमें जो भी हमने चटनी के लिए कट किया था सब उसको ग्राइंड कर लेना है, और इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। तो चटनी तो हमारी तैयार हो गई, इसमें बस जीरे का तड़का लगाना है। तो ये है हमारे सारे खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपात का पत्ता, जावित्री, इन सबको ग्राइंड कर लेना है। और इधर हमारा ये देसी घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मम्मी ने इलायची और तेजपात के पत्ते डाल दिए हैं पहले, और उसके बाद हैं ये हमारी हरी मिर्च। ये हरी मिर्च में छोटे छोटे नहीं काटनी है, ये हमने ऐसे काटी है जैसे मिर्च छोंकते हैं ना, मिर्च में से दो कर लेते हैं बीच में से, उस तरीके से। तो ये है हमारा देसी घी। तो ये जो भी खड़े मसाले हमने ग्राइंड किए थे इसमें मम्मी मिला रही है अमचूर पाउडर। इसमें ये 3 गिलास पानी डाल दें, 3 है ना 6 गिलास, 3 गिलास चावल है। Thank you.
अब मम्मी बिरयानी में डाल रही हैं थोड़ा सा केवड़ा जल, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब लास्ट में मम्मी ने इसमें मिला दिया है नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। पहले नहीं यूज़ किया था, सबसे लास्ट में डाला है। बस गैस कैसी रखी है मम्मी, तेज? तो अब रख लिया ये कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल 3 चम्मच, और इसमें हम भूनेंगे प्याज। ये प्याज जैसे बिरयानी बन जाती है ना, तो ऊपर से थोड़ा उसको डेकोरेट करने के लिए भी और थोड़ा कुरकुरापन आ जाता है। ये प्याज भूनकर डाली जाती है बिरयानी में ऊपर से। अभी जब पूरा तैयार हो जाएगा ना, जब आपको समझ आएगा ये। तो एक तरफ हमारी प्याज भून रही है, एक तरफ हमारी बिरयानी बन रही है। चलो इसमें हमारा इधर बन रहा है, इसमें थोड़ी देर चलते हैं अंदर बैठने के लिए। बीच बीच में आगे इसको चलाते रहेंगे। तो अब हमारी बिरयानी बन चुकी है और ये देखो, और अब मम्मी इसमें ऐड कर रही हैं फूड कलर। ये रेड कलर का है, अगर आपके पास ऑरेंज या ग्रीन है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल रेड था तो हम रेड ही यूज़ कर रहे हैं। और बस फूड कलर डालने के बाद थोड़ी देर इसको ऐसे ही फिर से ढक के रख देना है। और थोड़ी देर बाद देखो ये हमारी बिरयानी का कलर। तो अब हमारी बिरयानी भी तैयार हो चुकी है और प्याज भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब मम्मी जीरा फ्राई कर रही हैं चटनी में तड़का लगाने के लिए। तो ये लग गया हमारा तड़का। अच्छा, तड़का आप अलग तरीके से भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा खाने के लिए लेट हो रहा था तो मम्मी ने ऐसे लगा दिया, वरना आप किसी पैन वगैरह में तेल गरम करके और फिर उसमें जीरा फ्राई करके और चटनी है जो अपने वो उसमें डालते हैं, थोड़ी देर तक बस ऐसे चलाते रहें जिससे कि जो चटनी है थोड़ी सी डार्क हो जाए। और ये देखो वीडियो कैसे बन रही है हमारी, भी सो रही थी अच्छा खासा इधर बैठ रही है। उठ के बैठ गई मैं, बेटाइम लो भाई लो चलो खाना, चलो खाना खाएंगे अब। ओके, लो जी बन गई मेरी फेवरेट चिकन बिरयानी रेसिपी। तो हम तो चले भाई अपना खाना खाने के लिए, आज वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये चिकन बिरयानी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।